चल जो बड़े है, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े है। 900 बिंदिया का संकल्प है, रुकना थमना अपना विकल्प है, जो था अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है। ऐसे सागर चांद को देख बड़े, जैसे दुनिया के नक्श में उभर रहा है। इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ देश और नीयत साफ है। गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति है, जी प्रबल है देश की रग में, जैसे दया बल है। से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघला, अब जो भी हो के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल खुश। सर्व शिक्षक वृंद व माझ्या भावी देशाचे देशदूत म्हणजेच तुम्ही सर्व बालगोपाळ, तुम्हा सर्वांना 77व्या मंगलमय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज देशाचा आनंदाचा उत्साहाचा दिवस, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला। त्या अगोदर सुमारे 150 वर्षापूर्वी इंग्रज भारतात आले होते आणि एखादा शेतातील पिकाला जशी कीड लागते तसे आपल्या देशाला पोखरून खाण्याचं काम ते करत होते। व्यापार करण्याच्या उद्देशाने इंग्रजांनी आपल्या देशात पाय ठेवला आणि अगदी कपटी मनाने संपूर्ण देश ताब्यात घेतला। त्यानंतर इंग्रजांच्या गुलामगिरीत आपण 150 वर्ष भरडत राहिलो। भयानक अत्याचार, असह्य वेदना सहन केल्या। त्यावेळची स्थिती अशी होती की गळ्यामध्ये गरिबांच्या गाते संतांची वाणी, गळ्यामध्ये गरिबांच्या गाते संतांची वाणी, जो